पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 11वीं किस्त आने से पहले इस योजना में दो महत्वपूर्ण बदलाव हो चुके हैं। कुछ दिन पहले लाभार्थियों के लिए जो है ईकेवाईसी कराना जरूरी हो चुका था और अब स्टेटस चेक करने का तरीका भी बदल चुका है। बता दें, पीएम किसान योजना के तहत मोदी सरकार हर साल किसानों के खाते में 6000 की रकम जो है 2000-2000 की जो तीन किस्तें हैं वो भेजती थी। अब तक 10 किस्तें जारी हो चुकी है और 11वीं किस्त 1 अप्रैल के बाद कभी भी जारी की जा सकती है। अब तक इस योजना में 12.48 करोड़ से अधिक किसान रजिस्टर्ड हो चुके हैं। पहले पीएम किसान पोर्टल पर जाकर कोई भी किसान अपना आधार नंबर, मोबाइल या बैंक खाता नंबर दर्ज करके स्टेटस की जानकारी ले सकता था। अब ताजा बदलाव के कारण पीएम किसान पोर्टल पर आप मोबाइल नंबर से अपना स्टेटस नहीं देख पाएंगे। अब आप केवल अपने आधार नंबर अथवा बैंक अकाउंट नंबर से ही स्टेटस जान पाएंगे। इसमें कोई शक नहीं है कि मोबाइल नंबर से स्टेटस चेक करने में बहुत अधिक सहूलियत थी, वहीं इसके नुकसान भी बहुत थे। दरअसल बहुत से लोग किसी का भी मोबाइल नंबर डालकर स्टेटस चेक कर लेते थे। ऐसे में किसानों की बहुत सारी जानकारी दूसरे लोग हासिल कर लेते थे। अब ऐसा होना मुश्किल है। सरकार ने पीएम किसान योजना में रजिस्टर्ड किसानों के लिए ईकेवाईसी आधार अनिवार्य कर दिया था। पोर्टल पर कहा गया है कि आधार आधारित ओटीपी प्रमाणीकरण के लिए किसान कॉर्नर में ईकेवाईसी विकल्प पर क्लिक करें और बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के लिए निकटतम सीएससी केंद्रों से संपर्क करें। वैसे आप घर बैठे ही जो अपने मोबाइल, लैपटॉप या कंप्यूटर की मदद से इसे पूरा कर सकते हैं। जी हाँ, योजना की शुरुआत में केवल उन किसानों को इसका पात्र माना गया जिनके पास कृषि योग्य खेती 2 हेक्टेयर या 5 एकड़ थी। अब मोदी सरकार ने यह बाध्यता खत्म कर दी है ताकि इसका लाभ 14.5 करोड़ किसानों को मिल सके। अगर आप पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम का फायदा उठाने की सोच रहे हैं तो सबसे जरूरी आपका आधार है। बिना आधार के आप इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते। अगर आप पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम का फायदा उठाना चाहते हैं तो सबसे जरूरी आपका आधार है। बिना आधार के आप इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते। सरकार ने लाभार्थियों के लिए आधार को अनिवार्य कर दिया है। पीएम किसान योजना का लाभ अधिक से अधिक किसानों तक पहुंचे, इसके लिए मोदी सरकार ने लेखपाल, कानूनगों और कृषि अधिकारों के चक्कर लगाने की बाध्यता ही खत्म कर दी। अब किसान अपना रजिस्ट्रेशन खुद कर सकते हैं, वो भी घर बैठे। अगर आपके पास खतौनी, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर और बैंक अकाउंट नंबर है तो आप pmkisan.nic.in पर फार्मर्स कॉर्नर में जाकर खुद अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। सरकार ने एक और बड़ा बदलाव किया है कि आप रजिस्ट्रेशन के बाद अपना स्टेटस खुद चेक कर सकते हैं, जैसे आपके आवेदन की क्या स्थिति है, आपके बैंक अकाउंट में कितनी किस्त आ चुकी है आदि। अब पीएम किसान पोर्टल पर जाकर कोई भी किसान अपना आधार नंबर, मोबाइल या बैंक खाता नंबर दर्ज कर स्टेटस की जानकारी ले सकता है। पीएम किसान स्कीम से अब किसान क्रेडिट यानी केसीसी को भी जोड़ दिया गया है। पीएम किसान के लाभार्थियों के लिए केसीसी बनवाना आसान हो चुका है। केसीसी पर 4% पर 3 लाख रुपए तक किसानों को लोन मिलता है। वहीं पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ ले रहे किसानों को पीएम किसान मानधन योजना के लिए कोई दस्तावेज नहीं देना होगा। इस योजना के तहत पीएम किसान जो है स्कीम से प्राप्त लाभ में सीधे ही जो है अंशदान करने का विकल्प चुन सकते हैं।